हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, हम आज के टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड है कि क्या हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए या हमें अपना प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए, इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोज आते रहते हैं हमारे, तो उन वीडियोज को जाके देखिए, बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। ट्विटर पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और दूसरा चैनल नितेश कुमार इसे भी यहाँ पर फॉलो करिए, वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि क्या हमें अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या हमें प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए। सिंपल सा आंसर यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन देना और सिंपल सा आंसर उसका मैं देना पसंद करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप के मन में है क्या एग्जैक्टली, आप मार्केट से कितना पैसा कमाना चाहते हैं। मार्केट में देखिए लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस है, आपको ही पता है, मुझे भी पता है। आपने एक डायलॉग 1992 स्कैम 1992 का आपने सुना होगा, हर्षद मेहता का, कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये एक गहरे कुएं की तरह है, जिसे जितना यहाँ पर बटोरना है ओके उतना बटोर सकता है। तो सेम एज इट इज यहाँ पर इतना पैसा है, जिसको जितना पैसा चाहिए उसे उतना पैसा मिलेगा। बस करेज होना चाहिए एज वेल एज थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, एज वेल एज यहाँ पर आपको स्टडी भी साथ साथ करते रहना है और यहाँ पर मूवमेंट समझना है, चीजों को समझना है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे बेहतरीन पैसा बनता हुआ नजर आएगा, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर मार्केट, मैं अपने खुद का एग्जाम्पल दूंगा और किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मार्केट यहाँ पर भाग रही थी ओके, मैं भी यहाँ पर साथ साथ प्रॉफिट बुक कर रहा था। बट अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं करता उस टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने 20% हुआ मैंने निकाल लिया, 30% हुआ मैंने निकाल लिया, कुछ शेयर मेरे पास ऐसे थे जो मैंने अभी तक नहीं निकाले, मैंने यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड 350 में खरीदा था ओके, 1600 पे भी गया और उसके बाद 800 पे भी गया ओके, मैंने उसे यहाँ पर टच नहीं किया, बट स्टिल आई एम इन प्रॉफिट और लगभग अच्छे खासे 100% के प्रॉफिट पे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तब जब मैंने यहाँ पर इसे अलग अलग 1300 पे भी मैंने एवरेज किया, मैंने इसे 1100 पे भी एवरेज किया, मैंने इसे 800 पे भी एवरेज किया, इस केसेस में स्टिल मैं यहाँ पर 100% के प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ। बट बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था जहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके यहाँ पर बुक कर दिया और निकल गया। और इसकी इससे मैंने यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा और उसी सीख को मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर मैं वहाँ पर छोटा छोटा प्रॉफिट नहीं लेता और मैं सिंपली उसमें अगर बने रहता तो शायद मेरे पास आज की डेट में इतने पैसे होते बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं तो 1 CR के आसपास यहाँ पर हो ही जाते। बट कोई इशू वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमेशा मार्केट में एक लर्निंग होती है और उस लर्निंग को अगर आपने सीखा तो याद रखिए अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। बट यहाँ पर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चीज मैंने सीखी और इसी चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आप आए हैं, मार्केट में लग रहा होगा आप यहाँ पर देखिए मार्केट इतनी ज्यादा गिरी थी, गिरने के बाद ओके यहाँ पर अगर बात करें अंडर वैल्यू यहाँ पर स्टॉक्स हो गए थे, स्टॉक्स यहाँ पर 60% 50% 80% 30% अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग तरीके से यहाँ पर गिरे हुए थे। और गिरने के बाद जब यहाँ पर बॉटम आउट होता हुआ नजर आया, उसके बाद जब शेयर भागे है तो यहाँ पर बहुत सारे शेयरों ने 30% 40% 50% यहाँ पर रिटर्न देते हुए नजर आया, अच्छे अच्छे शेयर उसने यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आए। तो जिन्होंने अगर यहाँ पर जब बॉटम आउट हुआ होगा ओके, जिन्होंने यहाँ पर 1600 पे जब मार्केट थी ओके, उसकी केसेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले यहाँ पर जो शेयर खरीदे होंगे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा ओके, एंड वो अब उस प्रॉफिट से थोड़ा सा आकर्षित या अट्रैक्शन हो रहा होगा कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यार मार्केट थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई है और लोग कहते भी है कि यहाँ पर प्रॉफिट ले लेना चाहिए, प्रॉफिट ले लेना चाहिए, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए ओके। प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एक्चुअली यहाँ पर कितना अर्निंग कर रहे हैं ओके। तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बट क्या हमें तुरंत प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, क्या हमें 50% मिल गए तब हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, या 20% मिल गए 30% मिल गए हमारे टारगेट अचीव हो गए तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, तो इसका आंसर मैं सिंपल देना चाहूंगा नहीं ओके। हम स्टॉक मार्केट में आए, स्टॉक मार्केट में आके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना है क्योंकि अच्छा पैसा वहीं बनेगा,
और जब स्मॉल कैप मिड कैप में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारे दिमाग में एक चीज और है कि हम यहाँ पर एक बेहतरीन और बड़ा रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जब हम बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो बड़ा रिस्क हम किस लिए ले रहे हैं? बड़े पैसे के लिए, राइट? हम यहाँ पर बड़ा रिस्क ले रहे हैं, हम यहाँ पर अपना पैसा जो लगा रखा है रिस्की स्टॉक्स में लगा रखा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है बट स्टिल यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप रिस्की स्टॉक बताए जाते हैं। तो हमने एक ऐसे रिस्की स्टॉक्स में लगा रखे हैं तो क्या हमने 20% 30% 40% 50% के लिए लगा रखे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मेरा आंसर यहाँ पर नो है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स मैं आपको डेली बताता रहता हूँ। कल भी मैंने आपको एक बंच ऑफ स्टॉक्स दिए थे, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर 10% 5% 6% इस तरीके से भागते हुए दिखाई दिए या कुछ स्टॉक्स में थोड़े से गिरते हुए नजर आए। तो मेरा सिंपल सा आंसर है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर जब यहाँ पर मार्केट गिर रही थी, आपने होल्ड करके रखा, आपके शेयर 50% 80% 70% 30% इस तरीके से डाउन होते हुए नजर आए। बट अगर यहाँ पर अभी आप जा रहे हैं तो मोस्टली हो गए तो यहाँ पर रिकवरी नहीं हुई होगी। ऑब्वियसली बात है मैं भी यहाँ पर अभी तक रिकवर नहीं हुआ हूँ यहाँ पर लॉस से। ओके, बहुत सारे बट जिन्होंने यहाँ पर नीचे खरीदा है उनके लिए भी राय है और जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर उनका लॉस रिकवर हो एज वेल एज यहाँ पर शेयर ऊपर जाए। ओके, उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आए जो उन्होंने यहाँ पर लॉस देखा है। ओके, जिन्होंने यहाँ पर पेशेंस के साथ यहाँ पर वेट किया उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आए। तो उनके लिए सिंपल सा ये रीजन है कि यहाँ पर इंडिया के आने वाले टाइम काफी बेहतरीन है। ओके, प्रॉफिट बुक करना है बट प्रॉफिट बुक करने का एक तरीका होता है। जब मार्केट यहाँ पर गिर रही थी ओके, तो रिट्रेसमेंट नाम की भी चीज हो रही थी, ऊपर से नीचे आ रही थी, फिर थोड़ी ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आ रही थी। अगेन यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रही है तो याद रखिए ऊपर जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी। ओके, उसमें हमें डरना नहीं है, उसमें हमें या क्या करना है, उसमें हमें या पेशेंस के साथ है तो वेट करना है, या मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रही है उस केस में हमें अपना पैसा लगाना है। पैसा है लगा दो, नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको वेट करना है। क्यों? क्योंकि अभी जो मार्केट जिस तरीके से मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा ओके, जहाँ पर निफ्टी का आउटलुक भी बताऊंगा, स्मॉल कैप मिड कैप से रिलेटेड बताऊंगा, उस केसेस में यहाँ पर जो टारगेट नजर आ रहे हैं ना, वो टारगेट नजर आ रहे हैं निफ्टी के 19,000 प्लस के। ओके, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, तो उस चीज को आप देखिएगा तो आपको एक आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट हो रही है उस रिट्रेसमेंट को देख के आप यहाँ पर घबराओ मत। ओके, आपकी बट आपकी अगर बेकार कंपनी है आपके पास ओके, अच्छे स्टॉक्स है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ओके, तो उन्हें यहाँ पर निकाल के अच्छे स्टॉक्स में या फिर जो आपके पास स्टॉक्स है जो आपको लगता है कि यहाँ पर अभी नहीं भागे हैं बट 2 महीने बाद यहाँ पर भाग लेंगे या अगले जब रिजल्ट आएगा उससे पहले यहाँ पर भागना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आने से पहले चीजें भागना शुरू होती है, तो उस टाइम यहाँ पर भागना शुरू होगा और जब भागना शुरू होगा उस टाइम आपके पैसे यहाँ पर रिकवर हो जाएंगे, पूरे नहीं रिकवर होंगे, थोड़े बहुत यहाँ पर रिकवर होते हुए नजर आएंगे। तो इस आइडिया को, इस चीज को, इस ओपिनियन को याद रखिए, अपने माइंड में रखिए। ओके, आप मार्केट में थोड़े से प्रॉफिट के लिए नहीं आए, आप यहाँ पर आए वेल्थ क्रिएट करने, आप यहाँ पर रिच बनने नहीं आए, यहाँ पर आप बनने आए हैं वेल्थी। ओके, और वेल्थी का मतलब होता है कि आपके पास जो आपका मन करे। ओके, रिच तो यहाँ पर जब एक करोड़ भी कमा लेता है वो भी यहाँ पर रिच हो गया, 50 लाख वाला भी रिच है। बट वेल्थी का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने यहाँ पर 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए की यहाँ पर प्रॉपर्टी है। ओके, आपका जब मन करेगा, जिस चीज का मन करेगा आप वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करनी है और उसके लिए आपको यहाँ पर टाइम भी देना पड़ेगा। आपके पास भी एज होगी, मेरे पास भी एज है। ओके, 15-20 ईयर्स हम देंगे। ओके, उस केस में ऐसा होगा कि हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो इस चीज को हमें सीखना होगा, मार्केट से हमें ये हमेशा सिखाता रहता है। बुल जो बियर मार्केट थी वो खत्म हो गई है, बुल मार्केट दोबारा शुरू होती हुई नजर आ रही है। रिसेशन रिसेशन आते रहेंगे। ओके, उसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा, पड़ेगा नहीं भी पड़ेगा, उसके बाद अगर जब चलना शुरू होगी तो एक अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना है वो आप अपने शेयर्स को देख के यहाँ पर करिएगा। अगर आपके पास शेयर बेकार है तो उन्हें एग्जिट करके ऐसे आपको लगेगा कि वो लॉस हो रहा है। ओके, आप सोच रहे होगे 2000 का लॉस हो रहा है, 5000 का लॉस हो रहा है, 10000 का लॉस हो रहा है, बट वो एग्जैक्टली आपको लॉस नहीं हो रहा, वहां से निकाल के बस आप पैसा यहाँ पर डाइवर्ट कर रहे हैं। जब वो यहाँ पर भागेगा तो यहाँ पर आपके जो आपका लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। बट आपके पास बेकार स्टॉक्स है और वो लॉस दिए जा रहे हैं, वो रिकवरी नहीं हो रहे, इन दैट केस वो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है, उसे यहाँ पर दिल से चिपका के यहाँ पर घूमना नहीं है। ओके, पैनी स्टॉक्स हमें करना नहीं है, अच्छे स्टॉक्स में हमें बने रहना है। अच्छे स्टॉक्स में बनेंगे जिनके रिजल्ट अच्छे आए, हमें देखना, थोड़ी मेहनत करनी है, उसमें बने रहेंगे, अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
अगर लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए करना चाहिए, नहीं लगता प्रॉफिट बुक करना चाहिए हमें यहाँ पर 10% 20% 50% नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर पैसे डबल चाहिए, तो डबल के लिए फिर डबल तरीके से आपको खेलना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। शेयर होगा कि आपको यहाँ पर एक शेयर में 10,000, किसी में 1,00,000, किसी में कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, बट इन दैट केस अगर वो 1,00,000 का प्रॉफिट 50,000 आ जाता है आपको बेचना नहीं है, वो 10,000 का प्रॉफिट 5,000 आ जाए आपको बेचना नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि 5,000 के बाद जब वो चलना शुरू होगा वो 10 भी क्रॉस करेगा, 15,000 भी जाएगा, वो 50,000 वाला प्रॉफिट 1,00,000 भी जाएगा, 1,50,000 भी जाएगा, तो वो आपको समझना होगा और ऐसी सी कोई नहीं देगा। ओके, कोई आपको यहाँ पर चीटें नहीं बताएगा। बट वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे जितना हम वीडियो बनाते हैं, टेक्निकल सिखा रहे हैं, सब चीज़ को जब मिला के आप यहाँ पर देखेंगे, जब हम बताते हैं जो उस चीज़ को आप देखेंगे सीखेंगे, तो अच्छा पैसा मार्केट से डेफिनेटली कमाएंगे। बाकी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा हम आपको नॉलेज देते हुए नजर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।